इमेजिन करते हैं तुम एक बहुत ज्यादा फेमस और रिच इंसान हो, मे बी एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, मे बी सिंगर हो, कुछ भी हो, तुम्हारे बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, एंड मान लेते हैं कि किसी बड़े सिटी में तुम्हारा कॉन्सर्ट होने वाला है जहां तुम आने वाले हो एंड बहुत भीड़ इकट्ठा होने वाली है। तुम कॉन्सर्ट में जाते हो, स्टेज पर जाते हो एंड तुम क्या देखते हो कि सुंदर से सुंदर लड़कियां फ्रंट में आके तुम्हारे दीदार को तरस रही है। वो पागलों की तरह साउट कर रही है कि प्लीज मेरे साथ सेल्फी ले लो, प्लीज मेरे साथ फोटो ले लो। कोई उसी में से बोल रही है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज मुझे आई लव यू बोल दो या समथिंग लाइक दैट। क्यों, मजा आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल की फीलिंग आ रही है ना, है ना, एकदम खुशनुमा माहौल हो गया। वेल, तुम्हें भी पता है कि ये कोई फेक नहीं है, ये होता है। जो लोग एक्चुअल में फेमस हैं उनके साथ होता है, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। जो फेमस हैं, सक्सेसफुल हैं, उनके साथ ये कॉमन है। वेयर एज एक इंसान जो कि कॉमन इंसान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम, तुम्हें साला कोई लड़की भाव नहीं देती है, तुम्हें साला कोई लड़की पूछती तक नहीं है। इवन तुम लड़की एकदम पीछे पड़ जाते हो हाथ धोकर नहा धोकर, लेकिन लड़की घंटा भाव नहीं देती तुम। कभी कभी तुम सोचते होगे कि भाई ये इनइक्वालिटी मेरे साथ क्यों हो रहा है, और जिनको बिल्कुल भाव नहीं मिलता वही लड़के बोलने लग जाते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, लड़कियां सिर्फ इसके पीछे भागती हैं, लड़कियां तो बेकार हैं, लड़कियों के पीछे मत भागो, सिग्मा मेल बनो, ये वो। जैसे इस वीडियो का टाइटल है कि द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट अ गर्ल इज स्टॉप चेजिंग हर, मैं उस प्रोस्पेक्टिव से तुम्हें एक कहावत बताना चाहता हूँ जो तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी किसी न किसी अल्फा सिग्मा मेल से। डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज, मेंड योर गार्डन एंड द बटरफ्लाइज विल कम। मतलब सिंपल शब्दों में, स्टॉप चेजिंग हर अट्रैक्ट हर। मतलब सिंपल शब्दों में कि किसी भी लड़की को चेज करना बंद करो, लड़कियों को चेज करना बंद करो, बल्कि उन्हें अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट हम किस चीज से होते हैं? जो चीज हमें सुंदर दिखती है, जो चीज हमें लग्जूरियस दिखती है, जो चीज हमें बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखती है। तुम घर में मुठ मारते हुए पड़े रहते हो, शकल तुम्हारी सड़ गई है, स्किन केयर तुम करते नहीं हो, तुम ड्रेसिंग सेंस पर अपना ध्यान देते नहीं हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर पाए भर की नहीं है, तुम सोचते हो कि लड़की से बात करूंगा और सोचते ही तुम्हारी फट जाती है, अगर तुम चले गए तो लिटरली तुम जाके हक दोगे। हक दोगे मतलब नहीं कि वैसा वाला हक दोगे, मतलब लिटरली जाके तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा उसके सामने जाकर। शकल तुम्हारी पूरी तरह से खराब है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा पूरी तरह से डाउन है, और अगर बात करें अकल की तो तुम अकल से भी पैदल हो चुके हो वर्चुअल वर्ल्ड में पूरी तरह से जी जी कर। और इन सब रीजन की वजह से तुम लोगों के बीच में इतना ज्यादा नीडी हो चुके हो कि तुम्हारा जो इमेज है लोगों के सामने, एटीट्यूड है, वो भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अब इमेजिन करते हैं, एक मूवी है, उसका जो हीरो है उसका शकल भी खराब है, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी खराब है, वो बहुत ज्यादा अगली है, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा डाउन है, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज्यादा बुरा है, उसका जो अकल है मतलब जो उसका माइंड है वो भी बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब वो इंसान एवरेज से भी बुरा है। अब उसी मूवी में एक खूबसूरत सी लड़की होती है जो कि हीरोइन होती है, उस मूवी की लीड एक्ट्रेस होती है, क्या वो उस लड़के के लिए फॉल करेगी? क्या वो उस लड़के से प्यार करेगी? और क्या तुम्हें ये प्रेम वर्थ इट लगता है जबकि उस लड़की के पास और ऑप्शंस हैं, जो कि सकल अकल से भी बेस्ट है, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, जो कि लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहा है? ऑब्वियसली लॉजिकली तुम खुद बोलोगे कि इस चूतिए के साथ क्यों रहेगी वो लड़की, ऑब्वियसली वो बेटर ऑप्शन को चूज करेगी। क्यों, कभी किसी अगली दिखने वाला लड़का और सुंदर लड़की को देखते हो साथ में तो बोलते नहीं हो कि लंगूर के हाथ में अंगूर चली गई है, चला गया है? देखो बचपन से ना लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज भरा जाता है कि कोई राजकुमार आएगा घोड़ा पर चढ़कर एंड तुम्हारे लाइफ को ना बहुत ज्यादा बेटर बना देगा। तो जिस लड़की के सपने तुम देख रहे हो वो लड़की किसी राजकुमार के सपने देख रही है, एंड ऑब्वियसली किसी चूतिए के साथ तो सेटल नहीं होगी, तो डेफिनेटली कि तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर राजकुमार का डेफिनेशन क्या है? राजकुमार का डेफिनेशन ये नहीं है कि तुम्हें समुद्र पार करके घोड़ा पर चढ़ के आना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई। राजकुमार का डेफिनेशन ये है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ, आप जैसे हो उससे कहीं गुना ज्यादा बेस्ट बन जाओ। बेस्ट बनने का क्या मतलब है? बेस्ट बनने का सिंपल सा मतलब है कि तुम दुनियादारी छोड़ो, दुनिया पर अटेंशन देना छोड़ो, लोगों को चेज करना छोड़ो, सिंपली खुद पर ध्यान देना शुरू करो। तुम बेटर दिख सको इसके लिए लुक मैक्सिंग करना शुरू करो, तुम स्किन केयर करना शुरू करो, तुम अच्छा हेयर कट रखो, तुम अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखो, तुम अच्छे शूज पहनो, बोल सको इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीखो, तुम मुठ मारना छोड़ो, तुम वर्चुअल वर्ल्ड से दूर हो जाओ, तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले बनो, इसके लिए मेहनत करना शुरू करो, ऐसे ऐसे स्किल्स सीखो, ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू करो जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको, तुम्हारा सोशल स्किल्स अच्छा हो इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि तुम लोगों के बीच रहो, अकेले रहना बंद करो, तुम नॉलेजेबल बनो इसलिए बेस्ट बेस्ट बुक्स पढ़ना शुरू करो, तुम बॉडी बनाओ इसके लिए जिम जाना शुरू करो, तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो इसलिए अच्छा डाइट लेना शुरू करो। यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी दोस्ती, किसी भी रिलेशनशिप को अपने लाइफ में घसीट कर लाके, जबरदस्ती लाके रखने से कुछ फायदा नहीं होगा,
क्योंकि वो इंसान कभी ना कभी चला जाएगा अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता है। प्यार इंसान किससे करता है? जो कि बेस्ट होता है। तुम खुद सोचो ना कि मान लो कोई लड़की है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है एंड मान लो कोई और लड़की है जो कि एवरेज है एंड दोनों में अगर तुम्हें चूज करने का मौका मिले तुम किसको चूज करोगे? ये कहने में कोई भी शर्म नहीं आएगी एंड तुम कमेंट में भी बता देना तुम किसको चूज करोगे। मैं 100% बोल सकता हूँ कि हर कोई सुंदर लड़की को ही चूज करेगा। और लड़कियों का भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट होता है कि वो लड़कों के पीछे कभी नहीं भागती है। वो हमेशा देखती है कि वो खुद के लुक्स पर कैसे ध्यान दे सकती है, वो खुद कैसे अट्रैक्टिव दिख सकती है, खुद कैसे सुंदर दिख सकती है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सज धज के मार्केट में जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लड़के उन पर लट्टू हो सके। उनका माइंडसेट सिंपल है कि मैं इतना ज्यादा सुंदर दिखूंगी, मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखूंगी कि लड़के मेरे पीछे आएंगे, ना कि मुझे किसी लड़की के पीछे जाना पड़े। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि लड़कियां भी ऐसा नहीं होता कि किसी के पीछे भागती नहीं है, किसी को चेज नहीं करती। वो भी करती है किसी न किसी को चेज, लेकिन वो किसको चेज करते हैं? जो उनसे हाई वैल्यूएबल होता है, जो लुक्स में बहुत अच्छा होता है, जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो फेमस भी ठीक ठाक होता है, जिसका सोशल स्किल्स भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, जो फुल पैकेज है। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि तुम्हें सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा, दुनिया भर की स्किल्स सीखने पड़ेंगी, ये एक रॉकेट साइंस है, ऐसे तुम लड़कियों को क्रैक कर पाओगे, नहीं मेरे भाई। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि तुम जितना बेस्ट बन सकते हो, जितना परफेक्ट बन सकते हो उतना बनो, क्योंकि तुम ये खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, ओवरऑल इस दुनिया में वैल्यू सिर्फ उसी की होती है जो कि एक्चुअल वैल्यूएबल होता है, जो कि वैल्यू डिजर्व करता है। एक रील तुमने इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा देखा होगा कि शाहरुख खान जब पहली बार आपकी अदालत में जाता है तो लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो ऐसे प्रणाम करता है, कोई ध्यान नहीं देता है। उस टाइम पर उसको कोई नहीं जानता था, शाहरुख खान को कोई नहीं जानता था, लोग समझते थे अरे कौन है यार, क्या ही फर्क पड़ता है तो वही शाहरुख खान, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, उसको पता नहीं है कि फ्यूचर में ये क्या विस्फोट करने वाला है, ये क्या बंदा है, क्या बवाल बंदा है। उसके बाद जब शाहरुख खान ने अपने मूवीज के थ्रू, अपने एक्टिंग के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू पूरा तोड़फोड़ मचाया, उसके बाद तो हर किसी ने उसकी वैल्यू करी। और उसके बाद जब वो आपकी अदालत में जाता है लोग लिटरली पागल हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक्चुअल में तुम वैल्यूएबल होते हो, तुम्हारी वैल्यू होती है, तभी लोग तुम्हारी वैल्यू करते हैं। इस दुनिया में वैल्यू इंसान की नहीं होती है, उसके ओहदे की होती है, मतलब तुम जिस लेवल पे हो ना उसकी वैल्यू होती है हमेशा। तो खुद के लेवल को अप करो, खुद को हर तरफ से बेस्ट बनाओ, क्योंकि अगर तुम एवरेज इंसान हो और अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो ना, तो वो इंसान तुम्हें भाव नहीं देगा, तुम उसके लिए जस्ट एक रैंडम पर्सन होगे, तुम उसके लिए नस काट लो, तुम उसके लिए जिंदगी तबाह कर लो, तुम उसके लिए मर जाओ, जर जाओ, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम किसी के डीएम में पागलों की तरह पड़े रहते हो एकदम कि प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात कर लो, करते रहते हो, जबकि एट द सेम टाइम अगर तुम बहुत ज्यादा हाई वैल्यू इंसान बन जाते हो एंड तुम किसी के डीएम में मात्र हाई लिखते हो, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने अपने आंखों के सामने ऐसे लड़कों को देखा है जो कि लड़कियों को चेज करते करते प्यार मोहब्बत में लिटरली अपने करियर को बर्बाद कर चुके हैं। वो ना ही ढंग से वो पढ़ाई कर पाए, ना ही कोई ढंग से स्किल एक्वायर कर पाए, ना ही ढंग से कुछ भी लाइफ में कर पाए, एंड आज के टाइम में बहुत ही सड़ेला सा जॉब कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ तबाह करके बैठे हैं। जबकि अगर वो लाइफ में चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो इस चीज के पीछे नहीं भागते, खुद को बेस्ट बनाने के पीछे भागते। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में मत आओ, प्यार मोहब्बत में मत जाओ, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई इंसान सामने से उतना ही एफर्ट दे रहा है जितना आप दे रहे हो तो बिल्कुल आओ, लेकिन आप एफर्ट किए जा रहे हो लेकिन सामने वाला भाव खा रहा है, प्लीज उससे दूर हो जाओ और खुद पर फोकस करो, खुद को बेस्ट बनाने पर फोकस करो। और फाइनली वो इंसान आएगा जो कि उतना ही एफर्ट आपके लिए लगाएगा जितना कि आप लगा रहे हो, और जब म्यूचुअल एफर्ट बराबर बराबर हो तब रिलेशनशिप में आप बिल्कुल आ सकते हो। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि रिलेशनशिप पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी के लाइफ में आना ही है, शादी करना है, रिलेशनशिप में आना है, हर कोई आएगा, लेकिन अच्छा पार्टनर अगर आप चाहते हो तो पहले खुद भी अच्छा पार्टनर बनो, एक ऐसा इंसान बनो जिसको पाने के बाद कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा लकी समझे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कमेंट में आई विल चेंज माई सेल्फ जरूर लिखना, और वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो भी कमेंट कर दो, एंड ऐसे ही अमेजिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूँ। ये वीडियो पसंद आई है तो ये वाली वीडियो पसंद आएगी एंड ये वाली भी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स वॉचिंग गाइज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो।